अप्रैल में आप सब ने क्लास 11th अपना शुरू किया। किसी बच्चे ने यह ड्रीम देखा कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, आईआईटी दिल्ली जाऊंगा। तैयारी की भी स्टार्टिंग में बहुत सीरियसली थी, अच्छे से क्लासेस अटेंड करना शुरू किया, पूरी मेहनत थी, पूरे सपने थे, पूरा डेडिकेशन था, पूरा एफर्ट था। धीमे धीमे पता नहीं कहाँ खो गए। एक तरफ स्कूल की पढ़ाई अपने राग में चल रही, एक तरफ कोचिंग की पढ़ाई अपने राग में चल रही। फिर क्लास 11th में यह भी तो लगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना, अब हम सीनियर हो गए हैं। डिस्ट्रैक्शन हर तरह के आ गए, किसी की दोस्ती आ रही तो किसी का प्यार मोहब्बत। और ये जो 10th के बाद 11th की जो बेटा जंप होती है ना, आपको मैं बार बार समझा चुका हूं, ये आपके एकेडमिक कैरियर की सबसे बड़ी जंप होती है, इसको आपको सीरियसली लेना होगा। क्लास 10th में आप जो पूरी बुक फिजिक्स की पढ़ते थे ना, उस पूरी बुक को जब आप जोड़ोगे ना, तो क्लास 11th के फिजिक्स का एक चैप्टर तब बनता है। और जितने सीरियस आप अपने क्लास 10th बोर्ड में थे ना, उससे कहीं कम सीरियस आज आप क्लास 11th में हो गए। नतीजा तुम्हारे सामने है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने निकल गए। कहां है तुम्हारी तैयारी, किस जगह पहुंची है? क्या तुम्हारे अंदर आज थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि तुम आईआईटी पेपर के अंदर 50% नंबर भी लेके आ पाओगे? थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है? बस डर लगता है, ढेर सारा बैकलॉग हो गया है सर, कोई उसको क्लियर कर दे। पिछले 2 हफ्ते से मेरी टीम इसी के अराउंड मुझे रोज डेटा दिखा रही है कि बच्चे किस तरह से परेशान है क्लास 11th के अंदर। और ये सिर्फ फिजिक्स वाला के ऑनलाइन बैच में नहीं, किसी भी ऑफलाइन क्लासेस जो जा रहे हैं या ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे बैकलॉग से परेशान। सबको एक आखिरी होप, एक आखिरी मौका चाहिए कि क्या हम वापस आ सकते हैं, और उसी की प्लानिंग हमने पिछले 15 दिन में जबरदस्त तरह से की है। और आज मैं आपको वही रास्ता दिखाने आया हूं कि क्या हम वापस आ सकते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मिलते हैं उन सवालों के साथ। तो यार, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने बेटा आपके जा चुके हैं, अब कितना समय आपके पास बाकी है, कितने दिन आपके पास बाकी है? 150 दिन। अभी भी बेटा आपके पास 150 डेज बाकी है, यहां से भी 150 डेज आर स्टिल लेफ्ट फ्रॉम हियर। आप मुझे सच सच बताओ, आप कितनी देर पढ़ सकते हो? सीरियसली, एकदम दिल लगा के आप कितनी देर पढ़ सकते हो मुझे कमेंट लिख के बताओ। तो सबने बोला है 12 घंटे, कोई कह रहा है 10 घंटे पढ़ूंगा, यहां कोई स्मृति आके बोल रही मैं 15 घंटे पढ़ाई करूंगी। बेटा रियलिस्टिक लेते हैं, कम से कम दिन में क्या बेटा आप मुझे बताना, मैं बहुत कम, क्या आप 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो? इसके अंदर आपकी कोचिंग की पढ़ाई भी इंक्लूडेड है। कंप्लीट स्टडी टाइम 8 आवर्स इन अ डे फॉर नेक्स्ट 150 डेज, क्या आप पढ़ सकते हो? क्या आप इसे प्रॉमिस करते हो कि आप कम से कम इतना तो यहां से पढ़ोगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा? ठीक है, सभी बच्चे लिख रहे हैं आई प्रॉमिस, समर्थ लिख रहे हैं आई प्रॉमिस। 150 दिन, 8 आवर्स, टोटल कितने आवर्स हो गए? चलो इतनी तो मैथ्स आती है तुम्हें, कितने हो गए? 1200 आवर्स। अब सवाल यह उठता है कि क्या 1200 आवर्स के अंदर पूरी 11th की पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ 1200 घंटे के अंदर पढ़ सकता हूं? लगभग लगभग आपके 40 चैप्टर बनते हैं सारे सब्जेक्ट मिला के। 1200 घंटे, 40 चैप्टर, यानी एक चैप्टर में बेटा आपको कितना टाइम मिल रहा है? 30 आवर्स आपको मिल रहे हैं अभी। 30 आवर्स यू आर गेटिंग ऑन वन सिंगल चैप्टर। कैसे पॉसिबल है, आओ मैं तुमको ब्रेक डाउन समझाता हूं थोड़ा। तो एक चैप्टर पे तुम्हारे पास 30 घंटे हैं। अब इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ हमने डिवाइड किया है। एक चैप्टर पे जो आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, जो आपकी क्लासेस होंगी, वो सिर्फ 9 घंटे की लाइव लेक्चर्स होंगे, जहां आपको क्रिस्प और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट आपको देंगे। इसके बाद बेटा अब क्या करेंगे, लाइव प्रैक्टिस क्लास। अब इस फाइटर बैच के अंदर का जो फॉर्मूला है, उसमें जो सबसे यूनिक चीज निकल के आई, वो ये है कि बच्चा लेक्चर तो मूवी की तरह एंजॉय करता है, देख लिया, बड़ा मजा आया, सब समझ में आया, क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे हैं, एग्जाम फिर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करता है। अब फाइटर बैच के अंदर हमने क्या किया बेटा, कि जो भी आपके भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स जो आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, टोटल जो आपकी 9 घंटे की क्लास है, एक दिन में नहीं होगी, रोज आपकी 2 ही क्लासेस होगी, 1.5-1.5 घंटे की, कम पढ़ाएंगे पर सब पढ़ाएंगे। आपकी एक दिन में 2 क्लास हुई, लाइव क्लास, 1.5 घंटे की 1.5 घंटे की। उसके बाद आपको दिया 1 घंटे का ब्रेक कि जाओ भाई जल्दी से रिवाइज रिवाइज करो, खाना वाना खाओ, फ्रेश हो लो, रात में आओ, वापस बैठो मेरे साथ, अब फिर से मेहनत करते हैं लाइव प्रैक्टिस क्लास में। अब तुम उन्हीं टीचर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करोगे, अपनी डीपीपी सॉल्व करोगे, जिन टीचर्स ने तुम्हें लाइव क्लास में पढ़ाया है। अब बेटा एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो बेटा, उसका 90% ना आप 7 दिन के अंदर भूल जाते हो।
रिविजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और नीट एग्जाम। आपने एक हफ्ते में जितना भी पढ़ा ना बेटा, 90% चीजें तो आप भूल जाते हो, सिर्फ 10% बचता है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपकी हर वीकेंड में संडे को 2 आवर्स की रिविजन क्लासेस लगाएंगे, मैराथन क्लास लगाएंगे। ये सब करने के बाद 9, 5, 14, 2, 16 घंटे, एक चैप्टर पे अपने को कितने मिले थे? 30 घंटे। अभी भी 14 आवर्स, 14 घंटे अभी भी आपके बचे हुए हैं, जिसमें आप बेटा सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन खुद से भी कर सकते हो। तुमको बेटा सच बताऊं, दिल से बताऊं, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की। आपकी क्लास 11 की जर्नी ना मैं सिर्फ इस ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकता हूं। हमारे साथ ओम पांडे सर भी है, मैं चाहूंगा ओम पांडे सर यहाँ पे आए। तो सर आप मेरे को बताओ, जब क्लास 11 शुरू होती है, निश्चित रूप से बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। इस ग्राफ के हिसाब से सिंपल सा समझ में आ रहा है कि शुरुआत में बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होता है, और ये बढ़ना चाहिए। ये बात सच है कि बढ़ना चाहिए, शुरुआत में बढ़ता भी है, क्योंकि क्लास 11th के जो चैप्टर से मुलाकात होती है कमोवेश थोड़े से आसान से चैप्टर है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जैसे कि एरर एनालिसिस किया, डायमेंशन किया, और उसके बाद कोई PYQ देख लेते हैं IIT का, सॉल्व हो जाता है, तो लगता है बड़ा आसान है पूरा, कॉन्फिडेंस बहुत उठता है धीरे धीरे। जैसे जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर, जहां परसेंटेज एस करेक्टर का जब गेम शुरू होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में ये खेल चलता है, तो उस समय यहां से धीरे धीरे ये रेखा नीचे की तरफ डिक्लाइंड वे में दिखाई देती है। यहां टफनेस देखकर भागने वाले निश्चित रूप से फाइटर मोड तक नहीं पहुंचेंगे। जो अगर आप अभी विश्वास मानिए, अगर आप अगर इस मोड में भी जिंदा है ना, डिक्लाइंड वे में, अभी संभलने का एक वक्त आएगा। यहां तक गिरने के बाद भी इन बैचेज जिनको हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, उस फाइटर बैच के साथ आप अपने मोटिवेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सिलेबस को, अपनी होने वाले फ्यूचर के रैंक को आप उठा सकते हो। तो कितने परसेंट बच्चे हैं जो DPP सॉल्व करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, आप कॉमेंट करके मुझे बताओ। कोई बोल रहा है 9%, कोई बोल रहा है 100%। नहीं बेटा, मैं आपको बताऊं कितने परसेंट बच्चे अपनी DPP सॉल्व करते हैं, आप शॉक हो जाओगे। देख, 8% बच्चा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है। कहने को 12 लाख बच्चों में IIT का कंपटीशन है, लास्ट में कंपटीशन यही 8-10% है। कंपटीशन लास्ट के उसी 8%, 12 लाख का 8% क्या, लगभग 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे ही रियल कंपटीशन में हैं। कितने परसेंट बच्चे हैं जो बैच में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो आके टेस्ट देते हैं? 11% बच्चे हैं जो आके टेस्ट देते हैं। बेटा महीने में 2 टेस्ट तो तुमको फाइटर बैच में देना ही पड़ेगा, ज्यादा टेस्ट नहीं रखे हैं, हर हफ्ते नहीं है, 15 डेज में 1 टेस्ट है बेटा, वो तो तुमको देने आना पड़ेगा। और ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर बेटा भूल जाओ जो तुमने सपना देखा है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। फाइटर बैच के अंदर हर एक बच्चे को मैप करेंगे एक भैया या दीदी से। ये भैया दीदी कौन होंगे? ये वो लोग होंगे बेटा जो IIT या एम्स में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे। फाइटर बैच लाइव हो चुका है PW के मोबाइल ऐप पे। 9 सितंबर से बेटा क्लास शुरू होने जा रही है आपकी। 9 सितंबर से फाइटर बैच की क्लास स्टार्ट होगी। ऐप पे बैच लाइव है, बहुत ही अफोर्डेबल बैच बनाया है। 3,000 रुपए का बैच है, सब GST सब इसमें जुड़ा हुआ है। और इसमें आपका कंप्लीट 11th एकदम जीरो से लेके हीरो तक, स्क्रैच से चैप्टर 1 से लेके आखिरी चैप्टर तक पूरा IIT का कंटेंट, मेंस का, एडवांस्ड का, सब तरह के क्वेश्चन। बेटा इसीलिए तो अभ्यास सेशन लगाए हैं शाम को, जहां को आपको आके IIT मेंस के, एडवांस के, नीट के, PYQ सब सॉल्व कराएंगे, वही टीचर्स कराएंगे जो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं। तो बेटा 2 लाइव क्लास दिन की, 1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, 0.5 घंटा का रिविजन, मैं तो तुमसे 6 घंटा मांग रहा हूं, ये तो कर सकते हो। देखो कहां से कहां पहुंचोगे। तो बेटा ये फाइटर बैच है, 9 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, दिन में 2 क्लास होंगी। जो बच्चे रेगुलर स्कूल करते हैं वो फाइटर बैच में इजिली इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल के बाद ही आपकी शाम को क्लास होंगी। 2 ही लाइव क्लास है, 3 भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइव क्लास है, और उसके बाद शाम को आपका प्रैक्टिस सेशन है। प्राइस ओनली 3,000 रुपीज है। JEE के लिए फाइटर JEE बैच है, नीट वाले बच्चों के लिए फाइटर नीट बैच है। PW के मोबाइल ऐप पे लिस्ट हो चुका है।